चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख के दीवार का पड़ोसी मानता और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक को लेकर मोक्ष के मार्ग पर यात्रा प्रारंभ होती है। मुक्ति की ओर यात्रा का मंगलमय मंगलाचरण होता है। भीतर में वितराग परिणति की शुद्धि प्रति समय वृद्धिगत हो रही है, मगर भीतर में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव से लक्ष्य हटता नहीं है। भले ही प्रति समय वितराग परिणति में शुद्धता बढ़ती हो और वह बढ़ती हुई शुद्धता ज्ञान में प्रतिबिंबित भी होती हो, उस बढ़ती हुई शुद्धता से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेतन होता है, वह भी प्रति समय बढ़ता हो, मगर फिर भी दृष्टि ध्रुव न्यायक देव पर ही टिकी रहती है। न्यायक देव के आश्रय से अज्ञानी ज्ञानी होता है, न्यायक देव के आश्रय से ज्ञानी मुनि होता है, न्यायक देव के आश्रय से ज्ञानी आर्जिका होती है। मुनि धर्म और आर्जिकाओं के धर्म के संबंध में पिछले कितने ही वर्षों से मैं रहस्य खोलने के लिए इंतजार कर रहा था, इसलिए क्योंकि वर्तमान में भावलिंगी मुनिराजों का योग तो दुर्लभ है। वर्तमान में आत्मज्ञान से भीतर की परिणति की निर्मलता को और स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव को उपलब्ध ऐसी आर्जिकाओं का योग तो दुर्लभ है, मगर स्वरूप भी कान में पड़े यह भी महादुर्लभ है। जितनी भी भ्रांतियां हैं इन 3 दिनों के दौरान हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मुनि के व्रत और आर्जिकाओं के व्रत के रहस्य स्वरूप के आश्रय से मुनि धर्म अंगीकार होगा। मुनि का मुनि धर्म अंगीकार कैसे होता है? गृहस्थ दशा को छोड़कर के गृहस्थ आर्जिका कैसे होती? क्या घर छोड़कर के ऐसे ही अकेले जंगल चली जाती है, या फिर माता पिता पति को बताए बिना ही घर छोड़ देती है, या फिर मुनिराजों के संग में वह दीक्षा लेती है तो मुनि के मार्गदर्शन के नीचे वह दीक्षा लेती है, या फिर स्त्री के पास ही दीक्षा लेती है, या फिर स्त्रियों का संग वन में रहता है या आश्रमों में रहता है या जिन मंदिर में रहता है। और आगमों के प्रमाण को देख करके आदि पुराण, हरिवंश पुराण, वसुनंदी श्रावकाचार्य, सामान्य श्रावकाचार्य, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, रत्नकरण श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुट, ऐसे अनेकानेक ग्रंथों के प्रमाण देकर मैं आपको इन 3 दिनों में बताऊंगा कि स्वच्छंदियों ने मुनि धर्म को कैसे निषेध कर दिया। पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, आर्जिका होती ही नहीं है। पंचम काल में ऐसे मुनि और आर्जिका कहाँ? आचार्य कुंद देव, अमृत चंद्र देव, जैसे आचार्य देव ये पंचम काल में ही तो हुए थे। मगर बात हमारी ऐसी है कि पुराने को पूजने की आदत हो गई है, क्योंकि एक फासला है, वह दूरी है, और दूरी हमारे अहंकार को झटका नहीं पहुंचाती। इसलिए तो परमात्मा की तस्वीर को पूजना अच्छा लगता है, क्योंकि तस्वीर हमारे अहंकार को झटका नहीं पहुंचाती। तस्वीर को आप पूरब में रखो, पश्चिम में रखो, तस्वीर कुछ भी नहीं कहेगी। तस्वीर आपकी गुलाम हो जाती है और जीवंत पुरुष के सामने बैठने में स्वयं को उनके अनुसार वर्तन करना पड़ता है। इसलिए मुनियों का स्वरूप हमने सिर्फ चित्रपट में ही सीमित रखा। साक्षात मुनि का स्वरूप चर्चा में तो बहुत कहा, वाणी का विलास तो बहुत की, पकवानों की चर्चा तो बहुत की, मगर मैं उन विद्वानों से, पंडितों से पूछता हूँ, एक नहीं हजारों पंडितों ने मुनियों का स्वरूप बताया और ये बताया कि बहुत मुश्किल है। मुनि ऐसे नहीं होते, मुनि वैसे नहीं होते, मुनि तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मुनि का आहार कैसा होता है? आजकल के मुनि कितने शिथिलाचारी हैं, जिनके आहार का कुछ ठिकाना नहीं। कैसा भी आहार, उद्दिष्ट आहार करते हैं कि मुनि के लक्ष्य से यदि कोई आहार बना हो तो मुनि उस आहार को नहीं लेते। मुनि के लिए बनाया गया आहार हो तो मुनि नहीं लेते। गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाता है, उसमें से फिर मुनि को भोजन देता है। आजकल तो ऐसा है कि पहले से ही पता है कि यहाँ पर चौका लगा है, यहाँ रसोई घर है, भोजनशाला है, वहां पर खाना बना है। जिन मंदिर में से बाहर निकले और सीधे ही सामने भोजनशाला है, जाकर के भोजन कर लिया, बस भोजन हो गया, खड़े खड़े आहार हो गया, दिन में एक बार आहार हो गया, भूख से कम आहार हो गया, बस ये धर्म हो गया। मुनिराजों का स्वरूप ऐसा नहीं होता। मुनिराज उनके लक्ष्य से बनाया हुआ आहार नहीं लेते। मुनिराज सीधे ही वहां पहुंच नहीं जाते। मुनिराज को तो पता भी नहीं है कहां से आहार मिलने वाला है। यहाँ तो सामने ही भोजनशाला दिखती है कि यहाँ से निकला और वहां भोजनशाला में मुझे भोजन करना है। आज जो भारत देश में तुम दिखते हो 1500 जितने दिगंबर मुनि, उनके सामने ही एक और होगा मंदिर और सामने योगी भोजनशाला। और यहाँ पर भी हमने ऐसे बहुत प्रमाण ज्ञान दीपकों के साथ में मैं गया हूं, उनको दिखाया है। मुनि तो मार्ग से विहार करते हुए निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से आहार मिलेगा और कौन गृहस्थ अत्यंत भक्ति भाव से नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देगा। मैं तो यहाँ पर देरासरों में भी देखता था, भोजनशाला बनी हुई है, साध्वी जी आहार के लिए जाती है। भोजनशाला में महाराज जिसको नौकरी पर रखा हुआ वह जो खाना बनाएगा वही साध्वी जी को खाना खिलाएगा। एक भी सदगृहस्थ वहां दिखाई नहीं देता जिनको मुनिराज की भक्ति का पता हो, मगर क्या करें। इसलिए इस रहस्य को खोलने के लिए मुनि और आर्जी का होते कैसे है, विचरण कैसे करते हैं, विहार कैसे होता है, उनका आहार कैसे होता है, संघ में रहते हैं तो उनका संघ कैसा होता है, मुनि और आर्जिका के बीच में दूरी कैसी होती है। मुनियों की चर्चा तो हमने बहुत शिविरों में की, इसलिए मेरा मूल प्रयोजन इस शिविर में आर्यिकाओं के आर्जिकाओं के व्रत पर खुलासा करने का था कि स्त्रियां यदि आर्जिका का व्रत धारण करती है, भले ही संपूर्ण रूप से वह अपरिग्रही नहीं हो सकती, वस्त्र पहन करके व्रत का पालन करती है। ऐसी स्त्री जब दीक्षा अंगीकार करती है तो कौन कर सकती है? शादीशुदा हो वह, या फिर कवारी हो वह, या फिर विधवा हो वह, क्योंकि उसमें भी तरह तरह के भेद आज के जमाने में डाल दिए गए हैं। उसके भी रहस्य में बताऊंगा। यदि स्त्री मुनि धर्म व्रत धारण करती है, आर्जिका के व्रत धारण करती है, तो किनके पास व्रत धारण करती है? कि स्त्री व्रत धारण करती है आर्जिका के पास, उसे गणिनी कहते हैं। जैसे मुनियों में जो श्रेष्ठ है उन्हें आचार्य कहा, संघ के संघपति, ऐसे ही आर्यिका के संघ में जो सर्वोच्च है उन्हें गणिनी कहते हैं। गणिनी के पास में जाकर के स्त्री आर्जिका के व्रत धारण करती है। मगर ऐसी गणिनी एक तो मिले, अब मिले ही नहीं तो वो इंतजार करती रहे। उसके रहस्य भी मैं खोलूंगा कि आदिनाथ भगवान के काल में जब एक भी मुनि नहीं था और एक भी आर्यिका नहीं थी, उस समय क्या हुआ। राजा ऋषभदेव ने किनके पास दीक्षा ली थी? कोई पहला तो होगा ना जो बिना किसी के अंडर अपने आप दीक्षा ले ले। आदिनाथ भगवान ने वो काम किया। और आदिनाथ भगवान ने जैसे चौथे काल में मुनि धर्म का मार्ग खोला और उन्हीं के समोसरण में ब्राह्मी और सुंदरी जो राजा ऋषभदेव की पुत्री थी, उन्होंने सर्वप्रथम आर्जिका के व्रत धारण किए। किसके समोसरण में? आदिनाथ भगवान के समोसरण में। कोई वहां पर दूसरा तो चाहिए ना, कोई तो गणिनी चाहिए जिसके हाथ के नीचे दीक्षा धारण करे। दीक्षा किसके नीचे लेनी चाहिए? मार्गदर्शन कौन देगा? मुनि देंगे या आर्जिका देगी? पुरुष देगा या स्त्री? उस रहस्य को भी मैं खोलूंगा। इन दिनों में मुनि यदि दीक्षा अंगीकार करते हैं तो उन्हें अपने परिवारजनों से जो आज्ञा लेनी है वो कैसे लेते हैं? स्त्रियां यदि वो दीक्षा लेती है तो परिवारजनों से उनकी आज्ञा किस प्रकार की होती है? पुरुष तो दीक्षा लेकर के जंगल में जाकर नग्न होकर के मुनि होकर रहता। अब स्त्री तो वस्त्र पहनती, अब स्त्री का वस्त्र, अब एक ही एक वस्त्र पहनेगी कि वस्त्र बदलेगी भी, तो वस्त्र बदलेगी वो कहां से आएगा और वो वस्त्र कैसा होगा? ये साड़ी होगी, मगर वो साड़ी आएगी कहां से? और गंदी होगी तो धुलेगी कहां से? और धुलेगी तो धुलेगी कैसे? आज के जमाने में मैंने जो नजर के सामने दिखा है वो स्वरूप बिल्कुल उल्टा हो गया। और मैं बताऊंगा इन आगमों के प्रमाण से कि ज्ञानियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में जो आर्जिकाओं का वर्णन किया था, ये तो बाहर की बात कि जब वो व्रत का पालन करती है तो व्रत का पालन करते समय, महाव्रत का पालन करती है स्त्री आर्जिका, जिनको आरीका कहते हैं। ये आर्य से शब्द बना आरीका, आर्जिका कहो या आरीका कहो, एक ही बात। आर्यिका, आर्य भूमि और म्लेच्छ भूमि होती है ना, आर्य खंड, म्लेच्छ खंड। आर्य, आर्य शब्द से, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो नारियों में सर्वश्रेष्ठ है उन्हें आर्यिका कहते हैं, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ है उन्हें मुनि कहते हैं। मुनि और आर्यिका, सबसे ऊंचा व्रत स्त्रियों में जो पालन करती है, दीक्षा लेकर के घर छोड़ देती है, जब संघ में रहती है, क्योंकि एक मुनि और एक आर्जिका ऐसे तो रहेंगे नहीं, ये नियम है। एक आर्यिका मुनि के संग में अकेले में मिलने भी नहीं जाती, रहने की बात तो दूर। यदि आर्यिका को मुनि के पास में जाना हो दर्शन के लिए भी, तो भी गणिनी के साथ में जाए, या फिर आर्यिका समूह में मुनि के दर्शन के लिए जाए, और वो भी अत्यंत दूर से। जब स्त्री आर्यिका के व्रत धारण करती है तो भोजन कैसे लेगी, कहाँ करेगी वह भोजन? अपने पास में क्या रखेगी? मोर की पीछी और कमंडलू। मोर पीछी और कमंडलू आएगा कहाँ से? वस्त्र तो एक वस्त्र के अलावा दूसरा कोई वस्त्र स्त्री के पास होता ही नहीं है। आर्यिका के पास एक ही वस्त्र है, साड़ी। एक साड़ी ही पहनना, दूसरे कोई वस्त्र नहीं, एक साड़ी। जैसे ब्लाउज पहन लिया, अंदर नीचे वो गरारा पहन लिया, ऐसे आर्यिका के वस्त्र नहीं होते। आर्यिका का एक ही वस्त्र होता है साड़ी, उस साड़ी को ही लिपट करके पूरे शरीर पर पहनना होता है। उसकी भी पूरी विधि है कि पूरे शरीर को कैसे ढके, मगर वो मैं कैसे सिखाने जाऊं? मगर वो शास्त्रों में वो लिखा है साड़ी कैसे पहनेगी आर्यिका। एक ही साड़ी, जो 16 हाथ की साड़ी जो स्त्री अपने शरीर पर लिपट करके रखेगी, ओढ़ करके रखेगी, क्योंकि ये नियम है। आर्यिका के कपड़े सिले हुए नहीं होते, सिलाई वाले नहीं होते, ब्लाउज में सिलाई करनी पड़ती, ऐसे वस्त्र नहीं होते। अब तुम कहाँ देखते हो ऐसी आर्यिका, ऐसी साधवी? सबके वो नाड़ा नाड़ा वाला जो है, घरारा घाघरा जो बोलते हैं। आर्यिका एक वस्त्र अपने साथ में रखती है और एक ओढ़ करके रखती है। 2 वस्त्र की आर्यिका को छूट होती है, एक पहना हुआ और एक साथ में, जो दूसरे दिन बदल देगी। और जो पहना हो गंदा बरसों तक नहीं रखती, महीनों तक नहीं रखती। जो कहते हैं ना, गंदे कपड़े जितने ज्यादा पहने उतना ऊंचा साधु, उतनी ऊंची साध्वी। कितने दिन से उन्होंने तो कपड़े ही नहीं बदले, उसमें भी जीव जंतु हो जाते। आरीका रोज वस्त्र बदलती है। आरीका के पास में एक साड़ी है, उस साड़ी को वह धोती है। धोने के लिए साबुन नहीं है, बिना साबुन की वो साड़ी को धोती है। कमंडलों में जो पानी होता है उस गर्म पानी से ही उस साड़ी को धोना होता है। और थोड़ा सा पानी लेकर के उसको निचोड़ करके फिर उसको सुखा देती है। तीसरे कपड़े का आरीका के लिए सर्वथा निषेध है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, एक पहना हुआ एक साथ। ऐसी स्त्री जब वो आरीका के व्रत धारण करेगी, और पूर्व में ऐसे जो दृष्टांत है वो भी मैं आपको इन 3 दिनों के दौरान बताऊंगा। घर परिवार से थक करके उब करके दीक्षा ली है, या फिर स्वरूप का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, अब देह का पता ही नहीं, पूरे शरीर पर वस्त्र है। और आपने सुना होगा क्षुल्लक और एलक के बारे में। क्षुल्लक होते हैं जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, उनमें सर्वोच्च पद पर है ये दो, एलक और क्षुल्लक। जब इतना वैरागी जीव होता है तब घर को छोड़कर जाने से पहले उसकी परिणति ऐसी है कि बाहर में एलक और क्षुल्लक ये दशा उनके आती है। एलक का अर्थ होता है कि जिनके शरीर पर बाहर से देखो तो एक लंगोट है और कुछ भी नहीं, और क्षुल्लक का अर्थ है कि लंगोट भी है और लंगोट के साथ में ऊपर खंड वस्त्र भी है, उन्हें क्षुल्लक कहते हैं, खंड वस्त्र। खंड वस्त्र का अर्थ यह है कि जब वो वस्त्र को ओढ़े तो यदि सिर को यहां तक ढके तो पैर दिखेंगे, और पैर को ढके तो सिर दिखेगा, माने पूरी तरह से शरीर ढके ऐसा नहीं, उससे छोटा कपड़ा उसे खंड वस्त्र कहते हैं। यहां तो 2-2, 4-4 एक साथ में लपेट जाए इतनी लंबी शॉल होती है, खंड वस्त्र। और भी क्षुल्लक का खंड वस्त्र और लंगोट, और एलक को सिर्फ लंगोट, एक लंगोट पहनी है एलक ने। और दूसरी ओर है स्त्री आरीका। दोनों को देखो, दोनों में कौन दिखता है महान, कि इतने पूरे शरीर को ढक करके रखा है स्त्री ने, और एलक को तो पास में सिर्फ लंगोट है। फिर भी एलक की अपेक्षा आर्जिका की दशा ऊंची, और एलक आर्जिका को नमस्कार करते हैं। ये थोड़ा रहस्य मैं आगम से बताऊंगा कि एक लंगोट जिनको है अभी मुनि हो जाएंगे, और ये आर्जिका, एक तो स्त्री नरक का द्वार। ये सब जो घुसेड़ दिया है, एक तो स्त्री नरक का द्वार, विधवा हो गई तो बस खत्म, माने वो पति धर्म लेके गया इसका। वो था तो धर्म होता था, वो नहीं तो धर्म कैसे करे। ये जितना भी घुसाया हुआ है, गुरुदेव तो ये कहते थे, एक महिला का पति मर गया तो रो रही थी। गुरुदेव कहते मर गया गया 84 के चक्कर में, जाने दे, तेरे को धर्म करने का टाइम मिला, गया तो गया। ऐसे ही पत्नी, ऐसा न लगे कि अरे ये योग, क्योंकि जीवन में क्षणिक के बोध से ही नित्य की अनुभूति की यात्रा होती है। ऐसे ही मैं 3 साधु को मिला था, और तीनों बिल्कुल वैसे, उनका रूप रंग थोड़ा सम्मान मिलता जुलता था। उनको मैंने पूछा कि आप साधु कैसे हो गए तीनों? बोले साधु होने से पहले हम तीनों साधु थे। एक बाप की ऐसी मिल गई तीनों को। साधु से साधु। इसलिए पति पत्नी में दोष न देखें, विधवा हो, शादीशुदा हो, कवारी हो, सभी को आजीविका के व्रत धारण करने का, मुनि के व्रत धारण करने का अधिकार है। तुम्हें इतना हल्के हो जाओगे कि कभी भी छोड़ के जा सकते हो। माने ऐसा नहीं कि अरे उनके बिना। और पुराणों में जो दृष्टांत दिए हैं, आर्जिका के व्रत धारण करने वाली स्त्री, मुनियों के व्रत धारण करने वाले पुरुष, एक पल में कैसे परिणाम पलटते हैं, भाव बदल जाते हैं। गजकुमार मुनि की कहानी तो आपने सुनी नहीं? जवान हो रहे थे और जवानी ऐसी छा गई थी कि शादी किए बिना अब चैन न पड़े, शादी करनी ही। सुंदर से सुंदर ऐसी लड़की मिल गई, शादी कर ली। शादी करके अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में किसी अवधि ज्ञानी ने ये कह दिया, आयुष्य बहुत अल्प, बस इतना ही, ये पर्याप्त था। आयुष्य बहुत अल्प है, ये सुनते ही पत्नी को वहीं छोड़ दिया और जंगल चले गए। बाप पर कैसी हालत हुई होगी, जंगल में जाकर के ध्यान में मस्त हो गए। इधर बाप को पता चला, ससुर को, कि इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। उसने जाकर के समझाया कि तुझे घर पे वापस आना ही पड़ेगा। मगर सुने कौन? मस्त है वे तो अपने ध्यान में। और लड़की के बाप ने गुस्से में आकर के गरम गरम ऐसी सिगड़ी उनके सिर के ऊपर रखी। आप जरा विचार करो, आग में यदि भूल से भी यदि उंगली ऐसी लग जाए तो कैसी वेदना होती। और उस समय वो सिगड़ी ऊपर है और जलन नहीं, उस ध्यान की अग्नि में ऐसी दशा प्रकट हुई, उस समय ऐसी दशा प्रकट हुई, उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान में उनको पता ही नहीं है ये सगड़ी यहाँ रखी हो, सगड़ी यहाँ रखी है, पता नहीं है भगवान। ये पता चला केवल ज्ञान की पर्याय में जाना कि उस देह पर ऐसी सगड़ी रखी जा रही थी। ऐसा केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, केवल ज्ञान की पर्याय। ऐसा मुनि का रूप है। आर्जिकाओं के व्रत ये तो बाहर की बात है, ये सगड़ी बाहर की बात है, मगर भीतर में जो वितराग परिणति प्रकट हुई और उसका आश्रय एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसके आश्रय से ये दशा प्रकट हुई। और स्त्रियों को भी ये दशा प्रकट हो सकती है, स्त्रियों को भी ऐसा अधिकार है। महाव्रती कहा है स्त्री को, महाव्रती, आरीका महाव्रती। 5 महाव्रत का पालन जैसे पुरुष करता है ऐसे स्त्री करती है। आरीका ऐसा व्रत पालन करती है, आहार के लिए मुनि की तरह ही खुद निकलती है। मुनि जैसे आहार के लिए निकले, ऐसे ही अपने पास में पीछी कमंडल है ना, वो भी आर्जिका के पास में भी पीछी कमंडल होता है, मोर की पीछी। उसका भी मैंने बताया था, मोर पीछे यदि नहीं होगी तो आर्जिका होगी कैसे, ऐसा मत समझना गीत के पीछे चल जाएंगे। क्योंकि ये धर्म ऐसा है कि मोर की पीछी ना मिले अब जिस प्रांत में मोर नहीं है तो पीछे भी नहीं है तो धर्म नहीं है। चलो, आत्मा का धर्म मोर की पीछी में नहीं अटकता। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ये कहते हैं, उनका तो गृद्ध पीछ उमा स्वामी, गीध के पीछे उनकी पहचान ऐसी होगी, गीध के पीछे। इसलिए ऐसा अपूर्व मुनि धर्म का पालन होगा, हमारा संघ होगा अगर किसके पास जाकर दीक्षा ले। अपन सादा सादा काम नहीं करते, तीर्थंकरों का काम करते। और तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम भी किसी का इंतजार मत करना, ब्राह्मणी सुंदरी बन जाना, फिर परंपरा चलेगी। मगर स्वरूप के आश्रय से ये तैयारी पहले हो। ऐसे ही अभी तो तैयार होने को तैयार, जाने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है। ऐसी दशा ये गजपंथा की भूमि, अंतर में भीतर में वितराग परिणति, ऐसी वितराग परिणति चैतन्य परमात्मा के आश्रय से प्रकट हुई। और लकीर का फकीर और किताब के पन्ने को पढ़ करके उसने ही नहीं अटका, अंदर में देख करके वो व्रत धारण किए। स्वरूप को देख करके ये बाहर में ये व्रतादि धारण करने का जो विकल्प आत्मा में आया, उस समय ये विचार थोड़ी आता है कि मैं विधवा हूँ या मैं कवारी हूँ, मेरा पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा विचार नहीं आता। क्षणिक के बोध से भरा हुआ, ऐसा जिसका हृदय जो क्षणिक के बोध से भर गया वो नित्य की ओर फिर जाता है, फिर अनुभूति की। बचपन से ये संस्कार ऐसे हो कि तुम्हारे भीतर अभी ये आर्जिका के संस्कार ऐसे हो, आर्जिका होंगे। जवानी में दीक्षा ले, बुढ़ापे में दीक्षा ले। दीक्षा ले तो कैसे ले? कोई उम्र का नहीं, तुम्हारी जवानी है, बुढ़ापा है, कैसी भी स्थिति है। स्त्री की तो परतंत्रता है ना, उस वजह से भी स्त्री को नीची कह करके ये स्त्री से तो मोक्ष कैसे होगा, ये स्त्री मुनि धर्म का पालन कैसे करेगी। ऐसे स्वरूप में स्थित होकर मुनि के संग में रहती। अब स्त्रियों को तो परतंत्रता है, मासिक धर्म है, सफेद साड़ी पहनी है, अब जवानी है, बूढ़ापा आया नहीं, उस समय फिर वो क्या करेगी? वो राज भी मैं बताऊंगा, सब शास्त्रों में लिखा है, मगर ढंका गया बहुत कुछ। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो उसका मौन रहेगा, उपवास रहेगा। मौन क्यों रहेगी, उपवास क्यों रखेगी, वो सब रहस्य भी मैं बताऊंगा। आर्जिकाओं के व्रत, फिर वो गंदा हुआ शरीर तो उसे साफ कौन करेगा? साफ करने के लिए श्राविका आएगी। वो श्राविका को क्यों भाव आएगा कि उसको नहलाए, जिसको मासिक धर्म हो उसी स्त्री को स्नान कराए। और उसको स्नान करा करके उसे क्या मिलेगा, वो कहाँ जाएगी स्नान कराने वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये शिविर में जो भी मुनि और आर्जिका के जो भी परिस्थिति संभव है उस सबको लेंगे, क्योंकि हमें तो होना है ना, खाली चर्चा थोड़ी करनी, होना है। तो आगे जाकर के फिर हर बार कोई बताने थोड़ी आएगा और एक एक बात को पूछने तुम थोड़ी जाओगे। इसलिए पहले से ही ये सब समझ करके आर्जिकाओं के व्रत। एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा और क्षणिक का बोध जिसके होते ही त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की ओर दृष्टि गई। ऐसी दृष्टि गई। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट हो, क्षणिक के बोध से भर जाओ। शास्त्रों में ऐसी कहानियां बहुत आती हैं, वैराग्य की ऐसी कहानी आती। प्रियदत्त नाम का राजा हुआ, अंगवती नाम की रानी थी। उनके वहां एक बेटी पैदा हुई, अनंतमती। उस बेटी का नाम रखा था अनंतमती। अष्टानिका के पर्व में उसे व्रत लेने का भाव आया, ब्रह्मचर्य व्रत, कौतूहल से ही। मगर वो संस्कार वहां पर, वो बीजारोपण वहां हुआ ब्रह्मचर्य का। एक बार पुरोभव का वैरी विद्याधर उसको उठाकर ले जाता है और जंगल में इतनी पीड़ा पहुंचाता, मगर कैसे भी करके अनंतमती ने अपनी शील की रक्षा की। वो कुछ नहीं कर सका। जंगल में ऐसी घायल अवस्था में अनंतमती कैसे करके धीरे 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 वो वहां से निकली, अयोध्या नगरी तक पहुंची और वहां पर उसे जिन मंदिर में जाकर परमात्मा के, भगवान के दर्शन हुए। दर्शन करते समय वहां पर एक आरीका का योग मिला। पद्मश्री नाम था उनका, आरीका। उनके संगति में रह करके फिर ये सब सदगृहस्थ के लक्षण कैसे होते हैं वो सब सिखाया गया। इसलिए ज्ञान दीपकों को यह तैयार करना है। आर्जिका की बात तो बाद की, आर्जिका होने से पहले उसके अंदर में कौन से लक्षण होने चाहिए आर्जिका के लिए वो भी आपको बताऊंगा। आर्जिका होने से पहले कैसे लक्षण चाहिए, उसके अंतर में मुनि के प्रति अहोभाव कैसा, भक्ति का भाव कैसा है मुनि के प्रति। क्या कभी उसने मुनिराज के लिए आहार बनाया है? क्योंकि आर्जिका होने के बाद का नियम है, आर्जिका मुनिराज को आहारदान नहीं दे सकती। कि लाओ वहां पर रोटी है, यहाँ पर मुनि है, लाओ मैं आहार दान दूं, नहीं। क्योंकि उनकी चर्या तो मुनि की जैसी है ना, वो तो आहार दान लेती है, वो देगी कैसे? इसलिए उस प्रकार की जो मुनि की भक्ति का भाव है वो गृहस्थ की दशा में जब है, अभी दीक्षा नहीं ली, उस समय ये भाव आता है मुनि को आहार दान देने का। ऐसा कभी कभी मुझे ये विचार आता है, इसके ये ज्ञान दीपक मुझे खाना खिलाते हैं तब कि खिला दो, बाद में तो मौका ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप मुनि होंगे तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब मैं मुनि होऊंगा तब आप आर्जिका नहीं होंगे तो कैसे खिलाएंगे। इस भाव से उनके हाथ से, जब भी मैंने ज्ञान दीपकों के हाथ से खाना खाया ना, ये भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसा ये भाव आता है कि मुनिराज को आहार दान देने का जो भाव, ऐसा भाव पद्मश्री आर्जिका के पास में रह करके ये अनंतमती ने ऐसे संस्कार दृढ़ किए। मुनिराज के लिए चौका कैसे लगाना, चौका लगाना माने वो चौका नहीं क्रिकेट का, चौका माने वो खाने का चौका, भोजन, भोजनशाला में जो बनाते हैं ना वो रसोई घर, तो चौका कैसे लगाना, ये सीखा। पहले से ही संस्कार तो थे, और चौका लगाने का, मुनिराज के लिए भोजन तैयार करने का, आर्जिका के लिए भोजन तैयार करने का, ये सब अनंतमती ये करती। यहाँ तो पिता दुखी हो रहे कि मेरी बेटी चली गई, कहाँ चली गई होगी, क्या करती होगी। ये तो अयोध्या में विचरण करते करते वो पिता ने ये चौका जो सजा था ना, हम डाइनिंग टेबल जैसे तैयार हो, ऐसे वो चौका जो सजा था वो देख करके अपनी बेटी की याद आ गई कि मेरी बेटी ऐसे ही चौका तैयार करती थी, वो याद आ गई। जिस श्रावक के घर पर ये चौका लगा था, उस पिता ने पूछा कि ये किसने किया। बोले आपसे परिचय करा तो पता चला ये तो मेरी ही बेटी है। बचपन से संस्कार मिल लिया, बस हो गया। वो जो अंतिम राग है वो भी छूट गया। दीक्षा जी का पद्मश्री के पास में अनंतमती दीक्षा ली। एक जीवन में एक ऐसी घटना घट जाए, नेमी कुमार की घटना है, ये तो इतनी प्रचलित है। नीलांजना के नृत्य की समय वहाँ उसकी मृत्यु की घटना है, ये इतनी प्रचलित है। एक समय में ऐसा वैराग्य आए, पहले से ही बीज बोया था। राजा ऋषभदेव ने दीक्षा अंगीकार कर ली, मुनि हुए, और भरत चक्रवर्ती अभागा भरत 6 खंड को जीतने, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खीर रही है। मगर आपको पता है भरत चक्रवर्ती का सेनापति, उनकी बात छोड़ो, सगा बेटा, बाप का बेटा कहीं युद्ध लड़ता हो, वो राज्य का सेनापति, जय कुमार नाम था। जय कुमार ने मुनिराज आदिनाथ भगवान के पास में जय कुमार ने मुनि दीक्षा अंगीकार की, और मुनि दीक्षा अंगीकार की इतना नहीं, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के गणधर वे थे। जय कुमार गणधर, एक और देखो कि इसका सेनापति है, 6 खंड के धनी, 6 खंड को जीते तो जीते, उसका सेनापति गणधर होकर समोसरण में बैठा। और पति ऐसे छोड़ करके जाए तो पत्नी को कैसा होता है कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया देखो। मगर उसकी पटरानी थी, उसको गुस्सा नहीं आया। यदि तू आदिनाथ भगवान के समोसरण में जाकर के मुनि हो सकता है, तो मैं ब्राह्मी और सुंदरी के पास जाकर आर्जिका क्यों नहीं हो सकती। और सुलोचना नाम था उसका, सुलोचना ब्राह्मी के पास में जाकर के उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, आर्जिका हुई। फिर परंपरा चली ऐसे, ऐसे तो कितनी परंपरा चली। सीता ने दीक्षा ली, पृथ्वीमती आर्या थी, पृथ्वीमती आर्या के पास में जाकर, पृथ्वीमती आर्या पूरा संघ था उनका, उस संघ में जाकर के सीता वहां पर संघ में जुड़ गई, संघ में जाकर के समा गई। जैसे कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ये समा गया, ज्वाइन हो गई। सीता पृथ्वीमती आर्या के संघ में समा गई थी, और इन्होंने घुसेड़ दिया, सीता पृथ्वी में समा गई। वो आर्जिका का नाम पृथ्वीमती था, सीता पृथ्वी में समा गई, जमीन फट गई और सीता समा गई। अरे अंतर में राग फट गया और आर्जिका के संघ में समा गई थी, और ये भी बाहर से, भीतर में तो स्वरूप में समा गई थी, वो पृथ्वी में समाई, उसका नाम सीता है। सीता तो वह है जो सत में समा जाए, त्रिकाल ध्रुव सत है न, सत में समाई वो सीता। सीता ने दीक्षा ले ली, उसके बाद में राम ने भी ले ली। सीता ने पहले ली और राम ने बाद में। जनरली ऐसा होता है, पति जैसा करे ऐसा पत्नी करेगी, मगर यहां हुआ उल्टा, जैसा पत्नी ने किया ऐसा राम ने किया। और किया ऐसा नहीं, दुनिया वालों को कह के गए कि जब तुम एक दूसरे को याद करो तो राम सीता मत बोलना, सीताराम बोलना। हम कभी बोलते हैं सीताराम, राम सीता नहीं, क्योंकि सीता के पीछे राम चले। और जिस समय ये राम ने दीक्षा ली, उस समय 27,000 एक नहीं, तुम चौंक जाओगे, ये राम अंतर में ऐसी वितराग परिणति मुनि हो गई। 27,000 स्त्रियों ने आर्जिका के व्रत धारण किए राम के बाद। राम ने दीक्षा ली, वहां उनका भी संग था। वो 27,000 स्त्रियों ने जो दीक्षा ली ने, श्रीमती नाम की आर्या थी, श्रीमती नाम की, जिनके संग में जाकर के 27,000 स्त्रियों, एक को वैराग्य आया, ये देख करके दूसरे को वैराग्य आया, तीसरे को वैराग्य आया। वैरागी को देख करके वैराग्य आ जाता है, वैरागी को देख करके वैराग्य आ जाता है, मगर वैरागी को देख करके वितरागता नहीं आता। वितरागता तो न्यायिक देव को देख करके आती है, वैरागी को देखकर थोड़ी, पराये को देख करके कोई वितरागता प्रकट होती। तो इन दिनों में ये सब रहस्य खुलेंगे, और आपके जो भी प्रश्न होंगे यहां से लेकर के मत जाना, प्रश्न को मार मत डालना, जितना भी तुम्हें पूछना है पूछना, खाली ये मत पूछना कि दीक्षा की डेट कौन सी है, ये मत पूछना। क्योंकि जितने भी दृष्टांत मैंने आपको दिए ना, उनमें से किसी की भी डेट फिक्स नहीं थी। ये तो देखो ना, शादी करने गए, उधर चले गए, समोसरण में गए कि वहीं दीक्षा ले ली, कहीं पर खाना बनाने रही थी, चौका तैयार कर रही थी और दीक्षा ले ली, कि कहां कहां कैसे कैसे घटना घटती है। ये सब बाहर की बातें हैं, मगर बाहर की बातें भी तुमने अभी तक नहीं जानी थी। यही सुन करके कि आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, सुन करके अनुभव करके नहीं, क्योंकि जिसको अनुभव होता है उसका अगला कदम यही होता है। आत्मानुभवी ज्ञानी मुनि का विरोधी नहीं होता, क्योंकि जिनका अगला कदम मुनि धर्म का पालन करना है, वो उस पद का विरोध करेगा कैसे? अंतर से भावना है। जब आर्जिकाओं के पास, जो गणिनी कहा, गणिनी के पास में रह करके आर्या के पास, संगपति उनके पास में रह करके जो स्त्री दीक्षा लेना चाहती है, उनके परिणामों का पहले निरीक्षण करती है। जो संघ की नायिका है ना, वो उनके परिणामों को देखती है, इनके भाव कैसे, चित्त की चंचलता कैसे। फिर इनके शरीर में शक्ति कैसी, विहार कर पाएगी। आंख से दिखाई नहीं देता, चश्मा लेकर के अब देखना पड़ता है, तो दीक्षा नहीं देगी। परिग्रह है, चश्मा परिग्रह है, चश्मे वाले जहां पर भी देखो उन्हें साधु मत मानना, वहीं पे ही दिख गया कि परिग्रही कि वो तो अच्छे काम के लिए उपयोग करते हैं शास्त्र को पढ़ने के लिए, तो फिर ईयरफोन भी यूज करो प्रवचन को सुनने के लिए। धर्म के काम के लिए उपयोग करते हैं, फिर लाठी का सहारा ले लो विहार करने के लिए, काम तो अच्छा ही हो रहा है। ऐसे ही फिर परिग्रह से परिग्रह बढ़ता जाता है। इसलिए वो कहानी बहुत प्राचीन पुरानी है, सदियों सदियों से लोगों ने कही। ये कभी लंगोट मत रखना अपने पास। एक गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दिया था, कभी गलती से भी बिल्ली मत पालना, क्योंकि लकी रखी थी लंगोट और चूहे आकर के लंगोट को खा जाते। किसी ने उपदेश दिया कि एक ही उपाय है, बिल्ली पाल लो चूहे आएंगे ही नहीं, कि लंगोट बच जाएगी। बिल्ली को पाला, मगर बिल्ली को भी पीने के लिए दूध चाहिए ना, तो दूध लाए कहां से? किसी ने कहा गाय रखो, तो गाय को लाया। अब गाय आई, मगर गाय को दोहे कौन? दूध निकालने के लिए बाई तो चाहिए गाय के लिए। अब गांव में एक विधवा थी, वो दूध दोहने के लिए आती, गाय को दोहने आती, और ये संत महात्मा के पास में बैठती, थोड़ी चर्चा होती। कभी इनको सिर दर्द होता तो सिर दबा देती, पैर में दर्द होता तो पैर दबा देती। ये सिर पैर दबाने में दोनों में प्रेम हो गया। शादी की, शादी के बाद में 7 बच्चे हुए, 8वां आने को था, तो मौत की घड़ी आई। तब उसने एक चिट्ठी में ये लिख करके बोल दिया, कभी गलती से भी बिल्ली मत पालना, लंगोट रखी तो ये सब हालत है ना। याद रखना, लंगोट ही मत रखना। ऐसे मुनि धर्म का पालन। तो स्त्रियों की वो अंतर की परिणति, उनके परिणाम, उनकी शरीर की शक्ति और परिवारजन जहां से वो आ रही है, तो ऐसा ना हो कि आज दीक्षा दे दे और कल उसका बाप, उसका पति आकर के पुलिस को लेके आए और पूरे संघ में फिर बदनामी हो। तो पूरी तरह से कि तलाक के पेपर लेके आई है ना, बाद में झंझट नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको मैंने तैयार करके रखा। दीक्षा अंगीकार करेंगे, उनकी अंतर की परिणति और प्रतिज्ञा जो व्रत मुझसे अंगीकार करेगी उसका पालन वो करेगी या नहीं। रात को सोना है तो कितने बजे सोएगी, सुबह कितने बजे उठेगी, उनका सोना और मुनियों का सोना कितना दूर होगा। मुनियों के पास में वो जाती है तो वंदना करने की विधि कैसी है, मैं सब आपको बताऊंगा। और खास करके यहाँ पर जब हम जाएंगे ना, ऊपर पहाड़ पर भी जाएंगे। कल ना 7 जून का दिन है, कल तो वहाँ मैं आपको ऊपर भी बताऊंगा। यहाँ पर सिद्धशिला पर जाएंगे अपन, यदि आपकी इच्छा होगी तो एक बार सिद्धशिला पर जाएंगे। और जहाँ से रोज वो पेड़ के नीचे सत्संग होता है, वो यहाँ से 1 मिनट 42 सेकंड का ही रास्ता है चल कर। वहां जाएंगे। और परसों तो एक भव्य ऐसी हमारी नासिक की यात्रा होने वाली है। ये सब बाहर की बातें मैंने आपको बताई। वास्तव में ऐसे आर्जिका के व्रत धारण नहीं करती। ऐसे विकल्प जब अंतर में वो स्वरूप में ऐसी मस्त रहती है, स्त्री होकर के नहीं, चैतन्य परमात्मा हूं ऐसी अंतर में वो मस्त रहती है, तब उसका राग रहता ही नहीं, उसे भोग के विकल्प रहते ही नहीं। इसलिए 5वें गुणस्थान में वो जो वितराग परिणति प्रकट होती है, आर्जिका का गुणस्थान 5वां गुणस्थान, 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनि, 5वें गुणस्थान तक जो स्त्री जा सकती है ना, तो आर्जिका के व्रत धारण करके वो अंतर में परिणति ऐसी हुई। एक एक लक्षण जो मैंने आपको अभी बताया आर्जिका के बारे में, ये इतना स्पष्ट करके, अभी तो खाली क्वेश्चंस तैयार किए कि ये सब बताऊंगा। आज शाम को एक एक पॉइंट पर अब डिस्कशन चालू होगा। आर्जिका के ऐसे व्रत और इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव के 9000 घंटे के प्रवचन सुने, मगर उन प्रवचनों में भी मैंने ये व्रत के बारे में कहीं नहीं सुना। किसी के पास में हो तो मुझे बताए। ये आर्जिका के महाव्रत कैसे होते हैं, जो भी बातें मैंने आपको बताई, इसलिए मुझे ज्यादा उचित लगा कि इसका स्पष्टीकरण होना ही चाहिए, जिससे दुनिया में जो लोग कहते हैं कि कांजी स्वामी को मानने वाले मुनि को आर्जिका को नहीं मानते, उन्हें पता चले कि हम नहीं मानते, ऐसा कहे मानते हैं। ऐसे मुनि और ऐसे आर्जिका जो ज्ञानियों ने शास्त्रों में बताया वर्णन स्वरूप, ऐसे स्वरूप जहां पाया जाता है उनको मानते हैं। अब बात वह है, कौन बनेगी पहली ब्राह्मी और सुंदरी? आप में से मैंने किसको चुना है? तेरे को नहीं, आर्जिका की बात चल रहा है। किसी को भी नहीं चुना। क्योंकि मैं ही अभी मुनि नहीं। पहली बात सीधी बात है। अभी से पूरी लंबी लिस्ट बनाओ और खुद इधर बैठा, मगर होगा ये निश्चित है, इस भव में ही होगा और निकट काल में होगा। हमारा संग होगा, निर्भय होगा, निश्चल होगा, वन विहारी होगा, गुफाओं में वास करता होगा, होगा ऐसा संग होगा। आश्रम में रहेगी आर्जिका, रहती है आश्रम में रहती है। ऐसा नहीं अकेली जंगल में रहेगी। खुलेआम थोड़ी वहां साड़ी बदलेगी, खुलेआम थोड़ी ना वहां सोएगी। वो है, उनके भी व्रत है, नियम है, वो भी स्थान है। मुनि तो शहर के भीतर आते ही नहीं, जंगल में ही जंगल में रहते, गुफा में ही गुफा में रहते। गुफा में कोई टिफिन लेके जाता होगा उनके लिए? नगर में आते तो होंगे ना, गांव में आते तो होंगे। ये जो पूरा एकांत से जो घुसेड़ दिया है उसको मिटाना। नगर में आते हैं तो इसलिए आते हैं, कितने समय के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो कैसे चले जाते हैं, क्यों और कहाँ ठहरते हैं, ये सब समझना। एक सेशन बाहर जाएंगे तब विचार करता हूँ कि शंका समाधान का भी एक आध सेशन यदि हो सके तो अपन रखेंगे, जिसमें आपकी जो भी व्यक्तिगत शंका हो, इतने दूर दूर से इतने ज्ञान दीपक आए, कुछ ही ऐसे लग रहे चेहरे जो नहीं आए हों, बाकी तो सभी ज्ञान दीपक को मैं यहाँ ऐसे देख रहा हूँ, जिन जिनको याद करता हूँ। और एक बात मैं इसलिए सब बता रहा हूं, क्योंकि जब वैराग्य का भाव अंतर में आए ना, स्वरूप की संवेदना के साथ में वह जो देह की क्रिया होगी, जैसे वस्त्र का त्याग कर दिया, काटा चुभा, कंकड़ चुभा, गर्मी में धूप में बैठे हैं, शरीर जल रहा है, चींटियाँ काट रही है, ऐसी स्थिति में वो सहन नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रयोग करना, इसलिए मैं आपको प्रयोग के लिए जो लेकर जाना चाहता हूँ, आज दोपहर में मैं देखता हूँ यदि वहाँ पर धूप में जहाँ मैं बैठता हूँ, आज सुबह ही ये हमारी बहन आई है, मेरे को बोल रही थी, मैं तो जब को आपको धूप में बैठा हुआ देखती हूँ ना, रोती हूँ कि आप धूप में बैठे हो और मैं देखो पंखे के नीचे यहाँ पर बैठी हूँ। तेरे घर में ताला लगा है, तू भी बाहर जाके बैठ जा धूप में, कौन मना करता है तेरे? जैसे किसी ने बांध करके पंखे के नीचे बिठाया हो, मगर वो धूप में बैठ करके भी वो ज्ञान का अनुभव कैसे होता है, ये ओ ये ऐसा, ये ज्ञान का अनुभव। ऐसी स्थिति अभी 400 घंटे के वो जो प्रवचन तैयार हुए ना, अभी आंख से दिखाई नहीं देता है, आंख चली गई है। अभी पढ़ता हूँ तो भी ऐसा लगातार अभी पढ़ने में नहीं आ रहा, बिल्कुल सब धुंधला धुंधला हो गया। ये जो वाणी है, इस वाणी की ऐसी कदर करना, ये जो वाणी है, बैठ बैठ करके दर्द तो होता है ना, कितना दर्द होता है। कल तो हेडेक आ गया, वैसा लगा हॉस्पिटल में था, वहां पर कार्डियोग्राम डॉक्टर साहब बैठे, बोले जल्दी से जल्दी चेकअप करा लो, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। हार्ट अटैक आएगा तो वो भी कुछ पाकर जाएगा, मेरे पास में जो भी आएगा वो पाकर जाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। लोग मुझसे कहते कोरोना में आप मास्क नहीं पहनते, मैं नहीं पहनता, कोरोना खुद मास्क पहन के मेरे पास आ गए। मस्त ऐसे हो, खुले में बैठ करके आज वो प्रयोग अपन करेंगे। जल कुछ भी नहीं रहा, चमड़ी जल जाए, काली चमड़ी हो जाए, कुरूप हो जाए, मगर भीतर में वितराग परिणति प्रकट हो, वह अनुभव में आए, आनंद अनुभव में आए, दुख नहीं। वो चीटियां जब काटती हो, जहाँ मेरा सांप रहता है वहां पर चीटियां भी बहुत, हम जहाँ पे बैठते वहां पर चीटियां हो जाती। इतनी चीटियां, क्योंकि उसके पास में हम खाते, खाने के लिए शाम का टाइम होता है तो खाली गांठिया खाते, वो कब गांठिया। शाम का समय है, किसी को विचार भी आज तक नहीं आया। एक ज्ञान दीपक को आया, उसने मुझे मेल भेजा था, ये श्रुत सागर, कि आपके खाने का क्या होता होगा, 5 से 6 का सत्संग रखते हैं, 6 से 7 का सत्संग रखते हैं। अब सब कहेंगे मेरे को भी आया, उसने भेजा था ईमेल, मगर वो भाव आया कि वहां पर खाते थे, चीटियां हो गई, चीटियां काट रही है ऐसे। वो काटने में आनंद का वेदन हो, दुख का नहीं। काटना जो हो रहा है उसमें जड़ नहीं है, ये जो अनुभव हो रहा है वो चेतन है, वो अनुभव चेतन में हुआ है। तो वो जो कटना हो रहा है उस ज्ञेय की रुचि यदि रखी तो दुख का वेदन होगा, और जानना ही हो रहा है उसकी रुचि होगी तो आनंद का वेदन होगा उस समय हो। और एक नहीं, शरीर में पूरा ऐसा पीछे पूरे निशान ऐसे हो जाए चींटी के काटने के पीछे, पीठ के ऊपर, मगर अंतर में ज्ञान और आनंद का वेदन। ये प्रयोग करने के लिए हम यहाँ मिले, घर पे बैठ करके ये प्रयोग नहीं होते, जाएंगे पता नहीं वो होगी या नहीं, मगर आज हम जाएंगे और ये प्रयोग करके वहां पर धूप में बैठो, थोड़े बिना चप्पल के रहो, एक बार चलो, एक बार चलो, कि ये जो कांटा चुभता है या पत्थर चुभता है, जिनकी शक्ति हो वो जबरदस्ती नहीं, नहीं तो फिर अपन तो बचते, पहले से ही क्लैरिफाई कर देते क्लैरिफिकेशन। तो ऐसे बैठ करके अपन करेंगे, समय हो गया है। आप समस्त भावी मुनिराजों ने और भावी आर्जिकाओं ने, क्योंकि भावी सिद्ध कह सकते हैं तो सिद्ध ऐसे थोड़ी होंगे, भावी मुनिराज और भावी आर्जिकाओं ने इस बालक को सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण